हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 होंडा एसपी 125 लिमिटेड स्पेशल, या फिर आप इसको स्पोर्ट्स एडिशन भी कह सकते हैं। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की 5 सबसे बड़ी रीजंस पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आप 125 सीसी सेगमेंट में बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे तो अपनी बाइंग डिसीजन में इस बाइक को भी आप कंसिडर कर सके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू लीडर्स होंडा तारातोला फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि रिव्यू में तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला रीजन कि आप यहां पर 2023 होंडा एसपी 125 स्पोर्ट्स एडिशन को खरीदना पसंद करेंगे दोस्तों, वो है इसकी विजुअल अपीयरेंस। मतलब ये जो लुक है दोस्तों, मतलब यहां पर इसकी जो स्टैंडर्ड मॉडल आती है वो भी अच्छी दिखती है, लेकिन ये जो कलर है ना, इसकी वजह से बाइक कुछ अलग ही दिखती है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं दोस्तों, जब मैं इस शोरूम पे अभी यहां पर आया हुआ हूं तो एटलीस्ट 8 से 10 बंदे यहाँ पर आए कि भाई मैं अभी यहाँ पर पे करूँगा और मैं ये कलर खरीदना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर इतनी इसकी मतलब कड़ी डिमांड है दोस्तों। मतलब ये बाइक लिमिटेड एडिशन है तो शायद कंपनी अभी इसको और बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन भी नहीं कर रही है, तो यहाँ पर शोरूम वाले ना कोई मतलब यहाँ पर बुकिंग भी नहीं ले रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा डिमांड है इस कलर की। एक बार मैं आप लोगों को जो 360 व्यू है दोस्तों वो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोगों को सिल्वर ब्लू और ये जो ऑरेंज कलर है उसके साथ ये कंप्लीट जो चीज़ है वो यहाँ पर देखने में मिल रही है। और यहाँ पर एसपी 125 स्पोर्ट्स एडिशन भी लिखी हुई है, आप इसको लिमिटेड एडिशन भी कह सकते हैं दोस्तों। शायद आपको बहुत देर तक ये मार्केट में या फिर आप कह सकते हैं शोरूम में अवेलेबल देखने को ना मिले, तो अगर आपके एरिया में ये मिल रही है और आप खरीदना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप इसको खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव लुक इसकी लगती है। बाकी आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर यहाँ पर बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं दूसरी रीज़न जो मैं आप लोगों को यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर खरीदने इसको सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे, वो है इसकी ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं। जब आप रियर ब्रेक यहाँ पर अप्लाई कर रहे होते हैं, रियर ब्रेक तो अप्लाई होती है, साथ ही यहाँ पर आप लोग को जो फ्रंट ब्रेक यहाँ पर मिल रही है ये भी अप्लाई होती है। बाकी स्पोर्ट्स एडिशन में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 130mm की ड्रम ब्रेक देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पर आप लोगों को 240mm की जो डिस्क ब्रेक है वही देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो निसन की कैलिपर है उसके साथ आप लोगों को ये यहाँ पर देखने में मिल रही है। बाकी अगर आप लोग रियर सेक्शन में जाते हैं दोस्तों तो आप लोगों को 130mm की ये जो ड्रम ब्रेक है यही देखने में मिलेगी, चाहे आप इसकी स्टैंडर्ड एडिशन देख रहे हो या फिर यहाँ पर आप स्पोर्ट्स एडिशन ही क्यों ना देख रहे हो। अब दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि पहले भी आप लोगों को यहाँ पर 80x100 सेक्शन की जो टायर है वही देखने में मिला करती थी विथ 18 inches ऑफ दिस एलॉय व्हील, लेकिन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो अभी आप लोगों को यहाँ पर 100x80 सेक्शन की जो टायर है ये यहाँ पर अभी देखने में मिल रही है, लेकिन पहले आप लोगों को ये 80 सेक्शन की ही देखने में मिला करती थी। तो कंपनी ने अभी हाल ही में यहाँ पर ये भी अपग्रेड कर दिया। तो ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों अपीयरेंस के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को जो सेफ्टी है ना वो भी अच्छी मिल रही है, क्योंकि टायर आपको मोटी मिल रही है रेयर में, तो इसकी जो टायर की ग्रिप है रोड के साथ वो भी आपको अच्छी मिलती है, तो ओवरऑल आपकी जो सेफ्टी है वो भी बिल्कुल यहाँ पर एनहेंस होती है। तो दोस्तों ये दूसरा रीज़न भी मैंने आपको बताया है। तीसरा रीज़न अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों तो वो है इसकी इंजन। जी हाँ दोस्तों, इंजन यहाँ पर आप लोगों को 123.9 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलिंगेटेड इंजन यहाँ पर देखने को मिलती है। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है जो कि है इसकी ये क्रैश गार्ड, बाकी वो आप लोग को अलग से लगवाना होता है, उसके लिए आपको अलग से पे भी यहाँ पर करना होता है। पावर फिगर्स के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों तो 10.8 पीएस की मैक्स टॉर्क और 10.9 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलती है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दो जो टेक्नोलॉजी है वो खास यहाँ पर देखने में मिलता है। एक जो चीज़ है दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्टिकरिंग यहाँ पर कंपनी ने करी हुई है जो कि है ESP एनहांस स्मार्ट पावर। अब इसमें यह होता है दोस्तों कि कंपनी अंदर मतलब इंजन के अंदर जो सिलेंडर है, जो पिस्टन है, उसमें जो फ्रिक्शन होती है जब वो अप डाउन होती है, तो उस फ्रिक्शन को कम करके यहाँ पर जो माइलेज है उसको बढ़ाने की कोशिश करती है, ताकि यहाँ पर आप लोगों को जो परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज भी अच्छी मिले। और आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एसपी जो है अपनी माइलेज के लिए जानी भी जाती है, कोई कोई लोग तो कहते हैं कि बस 60 तक भी उनको माइलेज मिली हुई है, बाकी यहाँ पर 45 से 50 तक की माइलेज भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जानी चाहिए। अगर आपको ऊपर नीचे कुछ मिला है, आपका एक्सपीरियंस क्या है दोस्तों, बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर मेंशन कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आप लोगों को मिलती है दोस्तों वो है ACG। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये स्टार्टर मोटर है, ठीक है, मतलब इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जब ये इंजन स्टार्ट होती है ना तो काफ़ी मतलब आवाज़ नहीं होती है। जब इंजन स्टार्ट हो रही है उसके काफ़ी सेकंड्स बाद आपको जो मतलब इंजन स्टार्ट होगी वो आवाज़ आपको मिलती है, तो ये जो साइलेंटली स्टार्ट होती है ना ये भी एक काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कर सकते हैं। चौथी रीज़न जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों इस बाइक को खरीदने की, वो बिल्कुल बन सकती है इसकी प्राइस। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर आप लोगों को दो वेरिएंट मिलता है, एक है इसकी स्टैंडर्ड वेरिएंट, देन ये इसकी स्पोर्ट्स या फिर आप इसकी लिमिटेड एडिशन या स्पेशल एडिशन कह सकते हैं। अगर आप इस एडिशन में आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको दो वेरिएंट मिलेगी, एक है ड्रम, दूसरा है डिस्क। ड्रम में अगर आप लोग जाते हैं प्राइस उसकी 1,01,979 बनेगी, अगर आप लोग इसके डिस्क एडिशन में आते हैं स्टैंडर्ड में तो 1,06,385 रुपीज़ बनेगी। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों तो बिकॉज ऑफ दिस एलिगेंट आप कह सकते हैं कि लुकिंग कलर आप लोगों को थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर ज़्यादा पे करना होता है, 1,06,000
991 करीब, मतलब 500-600 रुपये तक आप लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा पे कर रहे होते हैं। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है, मतलब 1,00,000 से 1,06,000-1,07,000 रुपये के बीच में आप लोगों को होंडा जैसी एक ब्रांड में रिलायबल इंजन आप लोगों को मिल जा रही है। और बाकी लुक तो यहाँ पर अच्छी लगी रही है, मैंने आपको बताया है कि इसके डिमांड भी आपको काफ़ी मतलब ज़्यादा देखने को मिली है, स्पेशली ये वाली कलर की। तो प्राइस भी एक रीज़न हो सकता है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मतलब अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को होंडा की रिलायबल इंजन यहाँ पर देखने में मिलती है, और माइलेज तो आप लोगों को अच्छी मिली रही है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, प्राइस आप लोगों को ज़्यादा लगती है कम लगती है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। देन दोस्तों पाँचवा और सबसे बड़ा रीज़न जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ना, वो है इसकी कम्फर्ट एंड माइलेज। जी हाँ दोस्तों, मतलब कम्फर्ट अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पर आप लोगों को 719 तक की जो सीट हाइट है वो यहाँ पर देखने में मिल रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये कुशनिंग वगैरह देख रहे हैं दोस्तों, तो ये भी कंफर्टेबल है, सॉफ्ट नहीं है, कंफर्टेबल है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, चाहे आप राइडर है चाहे आप पिलियन है। तो अगर आप लॉन्ग राइड्स पर भी प्लान बना रहे हैं दोस्तों इस बाइक के साथ, तो आप आराम से जा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाइट के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो अगर आपकी हाइट 5'3" या 5'4" तक की भी है ना, तो भी आप इस बाइक को मैनेज कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही दोस्तों कंफर्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी मैं आपको बता दूँ, अगर आप बैठ रहे हैं ना इस बाइक पर, तो आपको बहुत ज़्यादा सामने झुकने की जरूरत भी नहीं होती है। तो अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे होते हैं तो आपको कंधा जो है वो दर्द भी नहीं होती है, साथ ही हैंडल बार भी आपको थोड़ी सी ऊंची महसूस होती है। ओवरऑल जो राइडर ट्रायंगल है, मतलब राइडर जो ट्रायंगल है वो काफी कंफर्टेबल है, ताकि आप लॉन्ग राइड्स पे इसको ज्यादा प्रेफर कर सके। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग इसको मतलब 125 सीसी में देख रहे हैं, तो इसकी जो वेट है ना वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिलती है, मतलब आपको यहाँ पर वेट सिर्फ 116 किलोग्राम की देखने में मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द लोएस्ट आप लोग को यहाँ पर 125 सीसी में जो वेट है वो भी यहाँ पर देखने में मिल रही है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं, या फिर अगर आप क्विक टर्न्स वगैरह लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर आप मतलब क्विक एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में भी ये बाइक आपको बिल्कुल हेल्प करती है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को कम्फर्ट कह रहा हूँ, तो इसकी जो फीचर है वो भी बताना जरूरी है। सबसे पहला जो फीचर आपको इसमें बढ़िया लगेगी वो है दोस्तों इसकी साइड स्टैंड रेन कट ऑफ सेंसर। बाकी मैं आप लोगों को एक बार करके बता दूं, ये देखिए बाइक को मैं यहाँ पर जैसे ही गियर पर डाल रहा हूँ, देखिए रियर टायर जो है वो स्पिन कर रही है। जैसे ही मैं यहाँ पर ये गियर गिराता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बाइक है वो बंद हो चुकी है। काफ़ी बार ऐसा होता है दोस्तों कि बाइक में गियर लगी है, मतलब बाइक में साइड स्टैंड लगी है, आप आए गियर पर डाले चल दिए, जैसे ही आप गाड़ी को लीन करते हैं ना, नीचे टच कर जाती है साइड स्टैंड और एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को दोस्तों काफ़ी हद तक जो राहत है वो बिल्कुल देखने में मिल जाती है, और एक्सीडेंट से आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी हद तक बचत भी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो एक चीज़ मैं आप लोगों को और कहना चाहूँगा वो है इसकी ये मतलब मीटर कंसोल, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से ये डिजिटल है, साथ ही यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल गेज मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है। एक चीज़ की जो कमी मुझे लगती है दोस्तों वो है इसकी टैकोमीटर, बाकी आप लोगों का क्या कहना है बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखिएगा। यहाँ पर आप लोगों को टाइम दिख रहा है दोस्तों, गियर पोजीशन सेंसर है, ऑडोमीटर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ट्रिप ए ट्रिप बी, देन यहाँ पर किलोमीटर्स पर लीटर मतलब जो एवरेज है वो बता देती है, आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर जो डिस्टेंस 20 मतलब रेंज जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को जो सेट के बटन है मतलब ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये आईना वगैरह देख रहे हैं, तो ये भी कंफर्ट में ऐड होती है, क्योंकि जब आप राइड कर रहे होते हैं रियर, अगर आप व्यू लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये जो आईना है इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ जो है पीछे की आप लोगों को यहाँ पर देखने में ये हेल्प बिल्कुल करती है। तो दोस्तों पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो 5 रीज़न थी इस बाइक को खरीदने की, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश की है। और सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों कि टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं, तो 11.2 लीटर्स तक की आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलती है। तो आपको बहुत, क्योंकि देखिए माइलेज आपको 50 किलोमीटर तक की यहाँ पर मिल जानी चाहिए, तो उस हिसाब से अगर आप लोग रेंज देख रहे हैं दोस्तों, तो 550 से 600 किलोमीटर तक की रेंज भी आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। तो ऐसा भी नहीं है कि बार बार आप लोगों को मतलब जो टैंक है वो रिफिल कराने की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप लोग इसको लॉन्ग राइड्स भी अगर आप इस लॉन्ग राइड भी अगर आप इसको प्रेफर करते हैं तो बिल्कुल ही कंफर्ट में यहाँ पर ऐड हो जाती है। अब मैं कंक्लूजन में दोस्तों आप लोगों से इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आपकी बजट अराउंड 1,02,000 से 1,08,000-1,10,000 रुपये तक की थी, और अगर आप लोग 125 सीसी में यहाँ पर होंडा के एक रिलायबल इंजन चाह रहे थे अच्छी माइलेज के साथ और कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन के साथ, और साथ ही आपको ये भी चाहिए था कि LED हेडलैम्प वगैरह आपके पास होनी चाहिए बाइक में, तो मेरे ख्याल से दोस्तों 2023 में 2023 होंडा SP125 स्पोर्ट्स एडिशन आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चॉइस बिल्कुल बन सकती है। अगेन मैं यहाँ पर कहूँगा दोस्तों ये जो बाइक है लिमिटेड एडिशन है, बहुत ज़्यादा देर तक आपको ये मार्केट में शायद